बहुत ही खूबसूरत पुल है और बहुत ही खूबसूरत व्यू है। पुल हवा में हिल रहा है, मोटरसाइकिल ऊपर चल रही है, तो ऐसा लग रहा है जैसे गिर जाएंगे हम। और इसको क्रॉस करते हैं। नजर आ रहे हैं आपको, ये मकबूजा कश्मीर है जो इंडिया के अंडर है, और ये हमारा पाकिस्तान है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह सुबह तकरीबन 5 बज चुके हैं, और सुबह के 5 बजने के साथ ही टेंट में रोशनी आ गई है, और मैंने कहा चलें उठें अब, क्योंकि उठ के नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ के फिर आगे जाने की तैयारी करते हैं। तो अभी बाहर नहीं निकला, पता नहीं बाहर का मौसम कैसा होगा। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि 8 मकाम के करीब हम रुके, क्योंकि 8 मकाम तकरीबन यहाँ से 3-3.5 किलोमीटर आगे है। तो रास्ते में, क्योंकि कल जब हम मुजफ्फराबाद से निकले थे नीलम वादी की तरफ, तो रास्ते में बारिश भी हो रही थी, तो जगह जगह पे रुक रुक के चीज़ें चेंज कर कर के हम आ रहे थे। देर हो गई काफ़ी, रात के 9:30 बज गए थे, तो भूख भी इतनी ज़्यादा लगी हुई थी, ना नाश्ता किया हुआ था ना लंच किया, और डिनर लंच नाश्ता एक ही जगह पे हमने किया। तो हमने कहा चलें अब उठ के जाके, रात को फिर हमने तकरीबन 12 बजे तकरीबन रात के 12 बजे हमने डिनर किया। फिर अब सुबह के 5 बज चुके हैं, और यहाँ से 8 मकाम की तरफ जाएंगे, फिर मुख्तलिफ जगह पे जाएंगे, और जिस जिस मकाम पे जाएंगे फिर हम आपको इंशाल्लाह साथ लेके चलेंगे। अभी उठते हैं, मुँह हाथ धोते हैं, और बाहर का मौसम भी दिखाते हैं आपको आए इंशाल्लाह। देखते हैं बाहर किस तरह का मौसम है। गुड मॉर्निंग, उठ गए भाई? गुड मॉर्निंग, कैसे हो? ठीक है। ये सुबह सुबह दूसरे टेंट से निकल रहे हो भाई? ओ वाह जी वाह, ओ क्या बात है जी, तो बड़ी प्यारी जगह पे रुके हैं यार, रात तो पता ही नहीं चल रहा था। बाहर नहीं निकला जा रहा ये जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, व्यू देखें पीछे, अल्लाह की बनाई हुई ब्यूटी, और कमाल हो गया यार, कमाल हो गया, कितना खूबसूरत एरिया है यार। सुबह सुबह के नज़ारे ले लें, कितना खूबसूरत एरिया है यार, क्या बात है। ये होती है मॉर्निंग, वाह क्या कमाल की बात है यार। मैं बता दूं आपको कि हम नीलम वैली में हैं, 8 मकाम के करीब हैं, और यहाँ से हमने आगे जाना है। अब मुँह हाथ धोते हैं और आपको भी फिर आगे आगे लेके चलेंगे, थोड़ा सा वेट करें। Thank you.
टेंट हमारे इकट्ठे हो गए इंशाल्लाह, हमारी चाय भी तैयार हो रही है, तो हम ये इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से आधे घंटे के अंदर अंदर यहाँ से हम निकल जाएंगे। तो मॉर्निंग सुबह नमाज पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह, मुँह हाथ धोया इस वजह से बता रहा हूँ कि ठंडा पानी था, इस वजह से मुँह हाथ का बता रहा हूँ कि बड़ी मुश्किल से मुँह हाथ धोया। और बहुत ही खूबसूरत मंजर था यहाँ का और बहुत ही ज़बरदस्त। जब सुबह सुबह उठे हैं तो अभी भी आपको नज़र आ रहा होगा, देखें माशाल्लाह अभी भी ऊपर जो है वो धुआं सा है, जैसे वो फोग होती है। हाँ जी, क्या रेडी हो गए? रेडी माशाल्लाह। हाँ जी, हो गए रेडी? यार कितनी देर है और यार हाफिज साहब बताएं एनक लानी। वाह जी वाह, जबरदस्त। शेफ साहब कितनी देर रह गई? और खड़े नहीं होना, काम करो जल्दी जल्दी। बस जल्दी जल्दी, गोली की तरह, गली गोली की तरह तैयारी हो गई हमारी माशाल्लाह। ये देखें कैंप शैम्प हमने उखाड़ दिए हैं, मोटरसाइकिलें हमारी सामान से लद गई हैं और इंशाल्लाह हम यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ से हम जाएंगे 8 मकाम पे और उसके बाद हम जाएंगे कुटन पिंड और उसके बाद औरंगकेल। ये 3 पॉइंट हैं, इंशाल्लाह आज वहाँ पे जा रहे हैं और साथ साथ आप लोगों को गाइड भी करेंगे कि आप अगर सफ़र पे आते हैं तो आपको कौन कौन सा सामान जो है वो लेके आना चाहिए। इंशाल्लाह वो जब मैं सफ़र पे निकलूँगा तो साथ साथ हम इस पर भी बात करेंगे। और यहाँ का माहौल माशाल्लाह, अब दिल नहीं कर रहा यहाँ से निकलने को लेकिन जाना है। और साथ दरिया चल रहा है, उसकी आवाज़ आ रही है पानी की और बहुत खूबसूरत एरिया है पीछे आप नज़र आ रहा है। क्योंकि जो मैदानी इलाके के लोग हैं जब इधर आते हैं तो उनके लिए ये एक अच्छी चीज़ होती है, चाहे नॉर्मल सा भी हो ना तो वो बड़ा अच्छा पॉइंट लगता है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है, बहुत ही स्पेशल पॉइंट है ये। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जो हो ज़बरदस्त, कितना खूबसूरत माहौल है। चलते जाएं कुछ नहीं होता। पुलिस वाले नहीं आगे जाने दे रहे। कितना खूबसूरत माहौल है, वो पुलिस वाला हमें बनाने नहीं दे रहा था वीडियो, तो कह रहा था कि नहीं आना आपने। बहुत खूबसूरत पुल है लेकिन बड़ी मुश्किल से वीडियो बनाने दी है उन्होंने, लेकिन अभी भी वो चेकिंग कर रहे थे कि वीडियो नहीं बनानी, वीडियो नहीं बनानी, जो मर्जी हो जाए। यहाँ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि एक तरफ मकबूजा कश्मीर है दरिया के उस तरफ और एक तरफ पाकिस्तान है, और हम इस वक्त LOC पर जा रहे हैं बॉर्डर पर, और जो आपको दरिया के उस तरफ एरिया नज़र आ रहा है वो सारा मकबूजा कश्मीर है, और इस तरफ हम जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, आज़ाद कश्मीर के अंदर। यहाँ से हम जा रहे हैं, एक पॉइंट है केरन, केरन में जाएंगे, वहाँ पे केरन से एक पॉइंट आता है बबून। हम कोशिश करेंगे, ये वाजे हमारे प्लान में नहीं था लेकिन रास्ते में हमने डिस्कस किया कि एक बबून प्लान टॉप भी है वहाँ पे, देखते हैं अगर जा सके तो। कह तो रहे हैं कि रास्ता बहुत ख़राब है लेकिन कोशिश करेंगे वहाँ पर पहुँचने की।
ओए होए होए पत्थरों के ऊपर मोटरसाइकिल चलाना आसान काम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम नीचे आ गए हैं और इस वक्त हम दरिया के किनारे हैं और यहाँ पे हम अपना नाश्ता भी तैयार करेंगे और थोड़ी सी यहाँ पे हम इंजॉयमेंट करेंगे। और सारे देख रहे हैं कि पानी यहाँ पे बहुत तेज़ है, पानी देखें कितना तेज़ पानी है। पानी की आवाज़ सुन के ही बड़ा डर लग रहा है, तो अंदर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपने खेमे वगैरह भी लगाए हुए हैं, रौनक पुर रौनक एरिया है। और 72 किलोमीटर हम मुजफ्फराबाद से दूर है और नीलम वैली की ये सारी जगह है। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं कि वो जो सामने घर नज़र आ रहे हैं आपको, ये मकबूज़ा कश्मीर है जो इंडिया के अंडर है, और ये हमारा पाकिस्तान है आज़ाद कश्मीर, और वो भी हमारा ही है, एक दिन ले लेंगे इंशाल्लाह हम इनसे। ये पहाड़ी मकबूज़ा कश्मीर में वो जो घर है वो सामने ये वाले घर, ये भी मकबूज़ा कश्मीर के। अब हम यहाँ से निकलने लगे, हमारा सामान तकरीबन तैयार हो गया है जी। हम लोग जा रहे हैं बबून टॉप पर। बबून टॉप यहाँ से केरन से तकरीबन थोड़ा सा फासला आगे आके तो एक ऊपर को रोड जाती है जैसे कि हम जा रहे हैं, तो ये 12 किलोमीटर बनता है रास्ता। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बहुत मज़े की चीज़ें दिखाने वाला हूँ। दरअसल बड़ी वीडियो मैं इस वजह से नहीं बनाना चाह रहा कि लोग कहते हैं कि छोटी वीडियो बनाया करें, तो नेक्स्ट वीडियो देखें कि नेक्स्ट वीडियो में क्या आने वाला है। ओए 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 बहुत खूबसूरत मंजर है, बारिश हो रही है साथ साथ। इसको हमने क्रॉस करना है, मैं चेक करने आया हूँ कि मोटरसाइकिल कहाँ से गुजरेगी।